अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी, उस सिलसिले में ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप अक्सर ये सोचते हैं कि हमेशा मैं ही क्यों, हर काम के लिए मैं ही करती हूँ, मैं ही देती हूँ या देता हूँ, मैं ही क्यों करूँ सारे काम, तो ये बात आप अच्छे से समझ लें कि आप खुद नहीं देते। जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, जो आपके पास एनर्जी है, आप वही ट्रांसफ़र करते हैं, उसी का फ्लो चल रहा है। तो आप उस लिहाज से खुश नसीब होते हैं कि आप देने वालों में से हों। खुद सोचें ना कि ये वाला हाथ अच्छा होता है या कि ये वाला हाथ अच्छा होता है। अब आप उसमें से फ़ैसला खुद कर लें और वही बन जाएं। मैं ये आपको बताऊं कि जो हम सोचते हैं ना, हमारी थॉट्स हमारे दिमाग में आती हैं, जब उन थॉट्स की वजह से हमारी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। और जैसे कि देखें, आपके अगर आप गुस्से में हैं तो आपकी फीलिंग्स गुस्से वाली होंगी, जैसे आप बड़े प्यार या खुश अच्छे मूड में हैं तो आपकी फीलिंग्स एकदम अच्छी हो जाती हैं। और हम दूसरों से भी यही पूछते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग। कोई कहता है मैं आज बहुत लो फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कोई कहता है कि नहीं मैम आई एम एक्साइटेड। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। हमारा जो एक दूसरे के साथ एक पहचान का या तारुफ का ताल्लुक है ना, वो फीलिंग्स की वजह से होता है। तो ये वाली फीलिंग्स जो हैं, हमें ये डिस्क्राइब करती हैं, ये हमें डिफ़ाइन करती हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। एक नॉर्मल सी बात देखी गई है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप ये कहते हो कि मुझे उसने गुस्सा दिला दिया, या वो ऐसी बातें करते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, या गुस्सा तो आना ही था, वो उन बातें ही ऐसी थी उनकी। ऐसा नहीं होता, उसने वो किया जो उसने करना था। ये आपकी फीलिंग डेवलप हुई। आप कोई एक मशीन तो नहीं है ना जिसका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है और उन्होंने जो बटन दबाया आपने एग्जैक्टली वैसा ही कर दिया। ऐसे नहीं होता। अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहिए। जैसे होता है ना, कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो आप एकदम से थोड़े थोड़े करके जो पैसे जोड़े होते हैं आप ला के दे देते हो, ये देखो मेरे पास पैसे, सब कहते हैं ये कहाँ से आए। तो आपकी फीलिंग्स भी जो थोड़ी थोड़ी बचा के आपने रखी होती है ना, उसको वो एक ऐसी स्ट्रेंथ और ऐसा पावर बैंक आपके पास होता है जिसमें आप बड़े बड़े मुश्किल वक्त में भी जब आपको फेस करना पड़ते हैं चैलेंजेस वगैरह, तो उसमें आप बहुत इजीली वही अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और आप वो उस मुश्किल में उसको मुश्किल को फेस भी करते हैं और बाहर भी निकल आते हैं। ये जो बातें हैं ना, ये बड़ी मज़ेदार किस्म की होती हैं कि हमारी जो फीलिंग्स हैं क्यों डिस्टर्ब होती हैं। दूसरे की वजह से कभी अपनी फीलिंग्स चेंज ना करें, क्योंकि आप हैं, वो है। और जब हम गुस्से में होते हैं तो हम नेगेटिव फीलिंग्स को रेडिएट करते हैं या वो वाइब्रेशन छोड़ते हैं जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट बनती है जब हम पॉजिटिव रहते हैं, और पॉजिटिव रहना किसके हाथ में, आपके खुद के हाथ में है। अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि इतने प्रॉब्लम्स में कोई कैसे पॉजिटिव रह सकता है। आपको मैं ये मज़े की बात बताऊँ कि प्रॉब्लम्स जितने बड़े मर्जी हो जाए, जब आपके पास एक एनर्जी, एक पावर जो अल्लाह ने आपको दी है पॉजिटिविटी की, जब वो इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगे। आप उनको बड़े अच्छे से फेस कर पाएंगी या कर पाएंगे, और उस एनर्जी को उस वक्त इस्तेमाल में लाएं। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि आप खुद सोचें कि आपके सामने वाला अगर कोई नेगेटिव फीलिंग लेके आपके पास आता है, तो आप उसका मुकाबला करने के लिए एक ही जो टूल यूज़ कर सकते हैं, वो है पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी पावर है। इस पावर को अपनी वीकनेस ना बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और इसको यूटिलाइज़ करें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए। और ये छोटी सी बात मैंने आपको आज बतानी थी कि प्लीज़, जो आपकी यहाँ थॉट क्रिएट होगी, आपकी वो थॉट आपकी फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो फीलिंग आपको मजबूर करेगा रिएक्ट करने पर। अब ये आप पे है कि आप कौन सी थॉट्स क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में और कौन सी फीलिंग डेवलप करते हैं। तो जब आप देने वाले बनते हैं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम रिस्क की बात करते हैं कि या अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, उसमें अजाफा अता फरमा, तो ये भी एक किस्म का रिस्क होता है आपके पास कि आप पॉजिटिव हैं, आप देने वाले हाथ हैं। फिर भले वो आपका इखलाक हो, अच्छी बात हो, अच्छा मशवरा हो, अच्छा जेस्चर हो, और या अच्छी फीलिंग्स हो, किसी को दिलासे की ज़रूरत होती है, आप उसको दिलासा दे सकते हैं। तो ये सब कुछ मुमकिन है जब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करेंगी। उसका फिर आप इम्पैक्ट देखें लोगों को, फिर लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। जब हम ये कहते हैं ना कि हम
हमारी जो शख्सियत है या हमारी जो ज़ात है उससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचे, तो वो इसी तरह पहुंच सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स अच्छी रखें दूसरों के बारे में। ये परवाह ना करें कि वो आपके बारे में क्या फीलिंग रखते हैं। अपनी अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने आप को मजबूत और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, इन चैलेंजेस से सीखें जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। और कभी भी ये मत समझे कि आप हेल्पलेस हो गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, मैं भी आपके सबके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमारे सारे बच्चों को, बच्चियां और बच्चे सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हमें आप पे फ़ख्र है और आप कुछ भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक ही बात है, प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपनी फीलिंग्स पॉजिटिव रखें। उसी वजह से आप एक पॉजिटिव इंसान बनेंगे और तभी आप अच्छे फैसले भी कर पाएंगे और तभी आप एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ भी गुजार सकेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।